ओके हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू परफेक्शन अकेडमी मेरा नाम है पवन पाटीदार और आप देख रहे हैं रीजनिंग की ये वीडियो जिसका आज जो हमारा चैप्टर है वो रहेगा काउंटिंग ऑफ फिगर आकृति गिनना ठीक है आकृति गिनने से बहुत से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं आ, हर एक एग्जाम में तो उसको बस कुछ ही देर में हम किस प्रकार से गिनेंगे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ठीक है तो चलिए सबसे पहले आप हमसे यूट्यूब पर टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर एक डाउट ग्रुप है जिसमें जुड़कर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और इन पर जुड़ने की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की देखिए इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखा भी दूंगा तो आप उस कॉन्सेप्ट का यूज़ तो करने वाले हैं नहीं ठीक है क्योंकि हर एक हर एक इंसान को आज ट्रिक चाहिए ट्रिक की ज़रूरत है तो देखिए ट्रिक हर एक चीज की अलग अलग होती है तो यहां पर अगर हम बात करें देखिए यहां पर क्या हो रहा है एक ही पॉइंट से एक दो तीन चार और पांच लाइन जो है नीचे की तरफ आ रही थी

टू थ्री फोर और इन टू थ्री फोर में भी कितने बन रहे हैं देखिए टू और थ्री बन रहा है टू और फोर बन रहा है थ्री और फोर बन रहा है ठीक है वन और फोर बन रहा है देखिए वन से फोर मतलब पूरा ही बन रहा है तो ऐसे काउंट ना करते हुए हम क्या करेंगे सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो काउंटिंग कर लेंगे वन टू थ्री फोर ठीक है लिख देंगे यहां पर एक दो तीन चार चार जैसे ही लिखा इन सबको जोड़ देंगे जोड़ने पर क्या आएगा चार तीन सात दो नो और एक दस मतलब पता चल गया यहाँ पर कितने ट्राइंगल है दस ट्राएंगल करेक्ट आंसर यही होगा ठीक है बहुत सी बार क्या होगा बहुत सारी लाइन होगी ठीक है यहाँ पर एक दे दी यहाँ पर एक दे दी बहुत कम से कम दस पंद्रह लाइन दे दे ठीक है जितने भी लाइन दे दे तो आप क्या करेंगे उसको फिर आपको क्या जोड़ना पड़ेगा सब पंद्रह चौदह तेरह बारह तो उसकी भी जरूरत नहीं है उसके लिए भी एक अच्छे सी ट्रिक है देखिए इसी क्वेश्चन को अगर मैं उस ट्रिक से भी करवाऊँ तो आपको क्या करना है सबसे हाइएस्ट नंबर लेना है चार और जस्ट इसके आगे आने आने वाला नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है क्या आएगा आगे, आगे आने वाला नंबर पांच आएगा चार को मैंने पांच से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया बीस बीस का आधा कर दो करेक्ट आंसर दस ठीक है मान लो अगर यहां पंद्रह या फिर मान लीजिए दस होता ठीक है तो दस में मैं क्या करता जस्ट आगे आने वाले नंबर ग्यारह से मल्टीप्लाई करता तो ग्यारह में दस का मल्टीप्लाई एक और एक में जैसे ही मैं दो से भाग देता तो करेक्ट आंसर आ जाता मेरा फिफ्टी ठीक है दो पांच दस दो पांच दस तो ये करेक्ट आंसर डायरेक्ट आ जाता है तो आपको काउंट करने की बिल्कुल जरूरत है ही नहीं ठीक है क्योंकि प्लान सी है चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं यहां आपको देखिए ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल उसके ऊपर भी दो ट्राइंगल तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको पूछा है टोटल त्रिभुज बताइए भैया देखिए एक बात तो समझ में आ गई छोटा वाला जो त्रिभुज है वो तो एक हो गया बट उसके पास ये वाला ये वाला और ये वाला ये कितने हो गए चार मतलब यहां एक बात समझ में आ गई एक त्रिभुज जो है वो चार त्रिभुज को बनाएगा अब देखिए ऐसा आप समझेंगे नहीं जब मैं बताऊंगा अब यहाँ पर मैं एक बताई देता हूँ एक तो त्रिभुज ये हो गया इसके पास एक ये वाला जस्ट पास वाला और जस्ट पास वाला चार हो गए इन चार के बाद देखिए एक सबसे बड़ा वाला ये वाला पांच हो गए अब देखिए छ सात और आठ और सबसे बड़ा वाला ये हो गया नौ फिर दस ग्यारह बारह और सबसे बड़ा ये वाला हो गए आपके टोटल कितने थर्टीन तेरह त्रिभुज यहां पर हो चुके हैं ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिकोण फिर से वही त्रिभुज कितने हैं काउंट करने हैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया ठीक है प्लेटफॉर्म की सीरीज प्लेटफॉर्म सीरीज वाली जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे उन सब में हमने इसको किया था ठीक है प्लेटफॉर्म बुक जो थी हमारी वॉल्यूम टू उसमें हमने किए थे ये सारे क्वेश्चन यहां पर आपको काउंट करने का एक तरीका है आप नंबर नंबर डाल दीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है यहाँ पर मुझे समझाने के लिए नंबर डालना है आपको नहीं डालना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यहाँ एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन और ये आ जाएगा आपका सिक्सटीन ठीक है तो देखिए सोलह त्रिभुज तो मैंने भैया काउंट कर दिए ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन तो मैंने काउंट कर दिए सिक्सटीन से आगे जब हम काउंट करेंगे तो वन प्लस टू से भी तो एक बनेगा उसको कह देंगे हम सेवनटीन फोर प्लस थ्री से भी जो बनेगा उसको हम कह देंगे एटीन अब इन दोनों लाइन्स को हटा रहा हूं टू प्लस थ्री से जो बनेगा उसको कह देंगे नाइनटीन और ऊपर वाले को कह देंगे ट्वेंटी अब देखिए एक एक लिखने से अच्छा है, मैं डायरेक्ट बता दूँ आपको फाइव और सेवन से जो मिलेगा वो हो जाएगा ट्वेंटी वन ठीक है फिर नाइन और एट से जो मिलेगा वो हो जाएगा ट्वेंटी टू फिर टेन और इलेवन से जो मिलकर बनेगा वो हो जाएगा ट्वेंटी थ्री ट्वेल्व और थर्टीन से जो मिलकर बनेगा ट्वेंटी फोर फिफ्टीन और फोर्टीन से जो मिलकर बनेगा ट्वेंटी फाइव मतलब कितने हो गए ट्वेंटी फाइव अब इन लाइन्स को हटा देता हूँ सिर्फ लाइन को ठीक है सिर्फ लाइन को ट्वेंटी फाइव हो चुके हैं आप कहेंगे अभी भी ट्वेंटी फाइव जो है यहाँ पर ऑप्शन में है बट क्या अभी भी कोई अभी भी कोई त्रिभुज बन तो नहीं रहा है तो आप यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से एक त्रिभुज यहां पर ये वाला बन रहा है यहाँ से कुछ इस प्रकार ठीक है ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी सिक्स और एक त्रिभुज शायद कहीं मिस्टेक हुआ है क्योंकि यहाँ टोटल आंसर जो होना है वो ट्वेंटी सेवन होगा तो एक बार मैं फिर से काउंट करता हूँ देखिए सोलह तो सामने दिख रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन अब देखिए यहाँ एक बना यहाँ एक बना यहाँ एक बना यहाँ एक, एक चार ये हो गए तो सोलह और चार बीस इक्कीस उसके बाद आ जाएगा आपका बाईस फिर आ जाएगा ये वाला पूरा तेईस चौबीस पच्चीस और ये छब्बीस एक और कहीं बनना है ट्वेंटी सिक्स हो रहे हैं देखिए एक यहाँ बनेगा देखिए सारी लाइन्स को हटाने के बाद एक ये वाला छोड़ के आ गए थे ना जो हम ये वाला सबसे बड़ा वाला तो ये आ जाएगा आपका 27 जो कि इस ऑप्शन में कहीं नहीं मिलेगा ठीक है यहाँ पर शायद टाइपिंग मिस्टेक है तो 27 अगर डी वाला होता तो हम डी वाला करेक्ट करेंगे ठीक हाला है हालांकि यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए हुए हैं चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर की कितनी सरल रेखाएं देखिए ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कितनी सरल रेखाएं हम बिना क्वेश्चन पढ़े क्या करने लग जाते हैं काउंट करने लग जाते हैं त्रिभुज ट्राइंगल तो यहां पर सिर्फ हमें बताना कितनी सरल रेखा से ये आकृति बनी हुई है तो इसको काउंट करने का सबसे अच्छा तरीका है सबसे पहले जो है समांतर लाइन्स को काउंट कर लिया जाए देखिए एक ये दूसरी ये हो जाएगी तीन और ये हो जाएगी चार ठीक है चार हो गई उसके बाद ये वाली ले लें पाँच ये वाली हो जाएगी छ फिर ये वाली सात और ये हो जाएगी आपकी आठ अब बच्चे देखिए नौ दस और ये वाली हो जाएगी पूरी ग्यारह मतलब ग्यारह लाइन अगर आप आ, इस्तेमाल करें तो ये वाला जो है आप आकृति बना सकते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करेंगे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखा है फिर से पूछ लिया फिर से वही ट्रिक लगाएंगे पूरी लाइन जो है एक ये वाली पूरी जो है दो ये वाली पूरी तीन और ये वाली पूरी हो जाएगी चार ठीक है अब खड़ी लाइन ले, ले लेंगे पांच छ सात आठ नौ ठीक है दस हो जाएगी फिर ये ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और ये हो जाएगी सत्रह मतलब टोटल लाइन हो जाएगी आपकी सेवनटीन चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स पर बढ़ेंगे और सिक्स पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं आप हमसे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं और टेलीग्राम पर आपको ना सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं चलिए यहां पूछा है कि आपको दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है त्रिभुज काउंट करने क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहा है बट इतना ईजी है नहीं करेंगे इसको हम सोल्व सबसे पहले छोटे ट्राइंगल काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स सिक्स तो आपको सामने दिख गए अब आप क्या करेंगे इस त्रिकोण की सामने वाली भुजा पर अगर लंबर डालेंगे तो बराबर दो पार्ट में डिवाइड हो गया इस त्रिकोण के अगर सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो ये भी दो दो जो है पार्ट में डिवाइड हो गया और यहां पर भी ऐसा ही होगा अब ऐसा हुआ क्यों ऐसा किया क्यों मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन लाइंस को अगर हम छोड़ें और सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को चलिए काम करते हैं सबसे पहले हम इसी वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं इसी वाले ट्राइंगल को ले ले बीच वाली सारी जितनी भी लाइन है उनको अगर भूल जाए सिर्फ ये एक लाइन को ले लें तो ये आप बन गया ना आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन टू डालेंगे टू और एक, थ्री, मतलब टोटल त्रिभुज कितने हो गए तीन अब इस लाइन को छोड़ दो भैया इसको ले लो अब ठीक है ये वाले और ये वाले हो जाएगी आपकी इस बार बेस लाइन बाकी लाइन को भूल जाएंगे तो यहां से भी वन और टू डालेंगे मिल जाएगा आपको थ्री यहां से भी आपको वन टू डालने पर थ्री मिल जाएगा तीन तीन छ तीन नौ और छे यहां हो रहे हैं नौ और छे हो जाएंगे भैया आपके पंद्रह और 15 के बाद आप यहां देखेंगे जो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल है ना उसको छोड़ दिया था इसलिए करेक्ट आंसर आपका सोलह ठीक है या फिर इसको अगर आप शॉर्टकट नहीं और पूरा ही समझना चाहते हो कि भैया आप तो गलत बता रहे हो सही से बता दो तो मैं वो भी बता देता हूं आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो आपको सामने दिख गए उसके बाद आप देखेंगे ये वाला हो जाएगा आपका सेवन ये वाला हो जाएगा एट इधर वाला हो जाएगा आपका नाइन ठीक है नाइन हो चुके हैं नाइन के बाद अगर आप देखिए तो देखिए ये वाला हो जाएगा टेन और ऊपर वाला हो जाएगा ये वाला पूरा इलेवन फिर देखिए ये हो जाएगा आपका पूरा ट्वेल्व और ये हो जाएगा आपका थर्टीन और फिर ये वाला हो जाएगा आपका फोर्टीन और इधर वाला हो जाएगा सिक्सटीन ठीक है सॉरी फिफ्टीन ठीक है और सबसे बड़ा वाला फिर से हो जाएगा आपका सिक्सटीन करेक्ट आंसर भैया किसी भी टाइप से करो भैया आना चाहिए क्वेश्चन का आंसर चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कितनी आ, मतलब जो है त्रिभुज इस आकृति में कितने त्रिभुज है आपको बताना है तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए ना काउंटिंग करने के लिए आप नंबर डाल लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और यहां डाल दिए ट्वेल्व ठीक है तो बारह त्रिभुज तो आपको सामने दिख गए उसके बाद देखिए बारह और एक इन दोनों से मिलकर जो बनेगा वो हो जाएगा तेरह एक और दो इन दोनों से मिलकर जो बनेगा वो हो जाएगा चौदह चार और पांच इन दोनों से मिलकर जो बनेगा वो पंद्रह अब देखिए तीन को इन्वॉल्व मत करना भैया तीन से नहीं बनेगा कोई सा भी त्रिभुज ठीक है पांच और छह से मिलकर बनेगा सोलह सात और आठ से मिलकर बनेगा सत्रह सात और नौ से मिलकर बनेगा अठारह नौ और दस से मिलकर बनेगा आपका उन्नीस दस और आठ से मिलकर बनेगा आपका बीस यहां हो गए आपके ट्वेंटी बीस त्रिभुज जो है काउंट हो चुके हैं बीस के आगे अगर हम बात करें तो देखिए बीस के आगे आप यहां देखिए थोड़ा सा कि नाइन और टेन को आपने ले लिया इलेवन से अगर हम बात करें तो देखिए इलेवन से भी तो एक बन रहा है यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इलेवन से अगर मैं इलेवन नाइन और टेन की अगर बात करूं तो ये बन जाएगा आपका ट्वेंटी वन और इसी प्रकार यहां भी बन रहा है आप एक आपका एट टेन और इलेवन हो जाएगा ट्वेंटी टू ठीक है ट्वेंटी टू के बाद देखिए यहां पर एक छोटा सा ट्राइंगल ये वाला भी बन रहा है जिससे कि आप कहेंगे ट्वेंटी थ्री और फिर आपका बन जाएगा यहां पर ट्वेंटी फोर ये वाला देखिएगा ये वाला ट्वेंटी फोर और जस्ट इसके सामने ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव मतलब टोटल होगा ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फाइव यहां टोटल हो चुके हैं ट्वेंटी फाइव के बाद देखिए एक ट्राइंगल ये वाला भी बन रहा है आपके पास ठीक है ये हो जाएगा आपका 26 और एक सबसे बड़ा वाला 27 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा ठीक है काउंट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आपको अगर सीखना है तो वन टू थ्री मतलब काउंटिंग एक नंबर डाल लें या ए बी सी डाल लें ठीक है ए बी सी में क्या होता है थोड़ा आ, वो लगता है कि भैया आपको त्रिभुज लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी बना फिर वो बना ये डायरेक्ट अच्छा है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर अगर एट की बात करें तो नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है बताना है और यहाँ त्रिभुज अगर बताना है तो देखिए एक दो यहाँ ये बन रहा है ना एक छोटा वाला ये और एक जस्टिस के ऊपर तो दो अगर यहाँ से मिले मुझे तो दो भैया हर जगह से मिलेंगे ठीक है तो दो अगर सभी जगह से मिले तो दो चौक आठ मतलब आठ तो, तो आपको यहाँ पर मिल चुके हैं टोटल त्रिभुज आठ जो है आपके सिंपल से आपने जो है काउंट कर लिए या नंबर डाल दीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट ठीक है इन्हीं आठ की मैं बात कर रहा था अब अगर हम आगे बात करें तो यहां आठ से ज्यादा भी तो होंगे देखिए आठ आठ से अगर हम आगे बात करें तो और छत से मिलकर एक बनेगा चार और पांच से मिलकर एक बनेगा दो और तीन से मिलकर एक बनेगा एक और आठ इन दोनों से मिलकर ये चार और मिल गए मतलब आठ और चार हो चुके हैं आपके अब बारह ठीक है बारह काउंट हो चुके हैं बारह के आगे अगर आप देखें तो देखिए आधा ये वाला आधा हिस्सा इस मैं इसकी बात कर रहा हूं यहां से ये ये और ये वन टू थ्री और एट ये वाला बन गया आपका वन ठीक है मतलब ट्वेल्व हो चुके थे तो ये हो गया थर्टीन जस्ट इसके सामने वाला जो हिस्सा ये वाला ये बन जाएगा आपका फोर्टीन अब देखिए ये भी तो बचा है अभी ये वाला तो ये बन जाएगा फिफ्टीन और जस्ट अपोजिट साइड ये वाला सिक्सटीन टोटल काउंट किए तो सिक्सटीन आ गए ठीक है हालाँकि देखिए हो, होता है क्या है जब मैं ऐसे क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ ना तो कुछ लोगों के दिमाग में ना ये बात बैठ नहीं रही होगी क्यों नहीं बैठ रही होगी क्योंकि मेरा पेन कहाँ चल रहा है उनकी आंखें कहाँ चल रही है ये कुछ कॉम्बिनेशन बनता नहीं है तो ये कॉम्बिनेशन आपको कुछ दिन बाद समझ में आएगा जब मैं आपको फिर से इन टॉपिक को आ, या फिर आपकी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे ना उनको जब मैं बोर्ड पर करवाऊंगा तो वहाँ पर ना मेरा हाथ आपकी आंखों के जस्ट सामने रहेगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे ठीक है फिर भी हालांकि अभी बेसिक क्लियर करना है इसलिए मैं इस चीज़ को लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर अगर नाइन की बात की जाए तो आकृति में कितने त्रिभुज है काउंट करना है बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन आया है ठीक है चलिए क्या करेंगे सबसे पहले नंबर डालेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन ये बन जाएगा फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन 19, ट्वेंटी 21, 22, 23 और ट्वेंटी फोर यहाँ पर इस बार ट्वेंटी फोर जो है हमने मामूली ट्वेंटी फोर काउंट कर लिए हैं ट्राइंगल अब बचे हमारे डबल ट्रिपल देखिए वन और थ्री से अगर आप मिलकर बनाएंगे तो ये बन जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव फोर और फाइव से जो मिलकर बनेगा वो बन जाएगा आपका ट्वेंटी सिक्स अब इन लाइन्स को हटा देता हूँ क्या यहाँ पर और कोई त्रिभुज जो है बन रहा है आप कहेंगे 26 तो, तो टोटल हो रहे हैं इसके अलावा यहाँ पर आप नहीं कह पाएंगे ठीक है ठीक है छब्बीस के बाद अगर चले तो दो और सात से जो मिलकर बनेगा उसे हम कह देंगे भैया सत्ताईस नौ और दस से जो मिलकर बनेगा उसे कह देंगे हम अट्ठाईस ग्यारह और बारह से मिलकर जो बनेगा उसे कह देंगे हम उनतीस तेरह और चौदह से जो मिलकर बनेगा उसे कह देंगे हम तीस ठीक है थर्टी हो चुके हैं थर्टी के बाद अगर आगे चले तो पंद्रह और सोलह से जो मिलकर बनेगा उसे कह देंगे हम थर्टी वन इधर 18 और 17 से जो मिलकर बनेगा उसे कह देंगे हम 32 20 और 21 से जो मिलकर बनेगा वो 33 21 और ये शायद 25 लिखा हुआ है हाँ बिल्कुल इन दोनों से जो मिलकर बनेगा वो बन जाएगा आपका 34 34 अब 34 के बाद आप देखिए ऑप्शन में आपका 34 भी है बट हाईएस्ट ऑप्शन आपका 35 भी है तो जल्दबाजी में चौतीस करेक्ट आंसर मत करना क्योंकि अभी भी एक त्रिभुज यहाँ पर बाकी है और वो त्रिभुज आपका बनेगा यहाँ पर ये वाला ठीक है देखिए हल्का सा पेन चेंज करके बताना चाहूंगा आपको यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए ये वाला देखिए आपके नंबर की अगर मैं बात करूं तो ग्यारह बारह तेरह और चौदह ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल जो बच रहा है ये हो जाएगा आपका थर्टी फाइव मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर नाइन का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर उन्नीस दिया हुआ है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है फिर से वही वन टू थ्री फोर और जब फोर काउंट किए तो चार और बनेंगे यहां से अब डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए ऐसे ऐसे आकृति में से आठ ट्राइंगल जो है बनते हैं अब आठ ट्राइंगल कैसे बनते हैं गिना देता हूं। चार तो हो गए थे एक और दो से जो मिलकर बनेगा पांच नीचे दो और तीन से छः तीन और चार से सात चार और एक से आठ समझ में आ गया तो आठ यहां से बने मतलब आठ यहां से भी बनेंगे जाहिर सी बात है तो आठ आठ तो हो गए भैया आपके सोलह फिर बात कर लेते हैं सत्रह अठारह उन्नीस और ये हो गए बीस क्या अब इसी ट्राइंगल बन रहे हैं आप कहेंगे सत्रह और अठारह से एक और बनेगा इक्कीस मान लेते हैं फिर उन्नीस और बीस दोनों से एक और मिलकर बनेगा बाईस मान लेते हैं अब बाईस के बाद आप कहेंगे क्या बस इतने ही हो रहे हैं फिर मैं बात करता हूँ बाईस के बाद कि ये वाला भैया बच रहा था तेईस ये वाला बच रहा था तो इसको हम कह देंगे चॉइस अभी हो गए कितने ट्वेंटी फोर चॉइस हो चुके हैं क्या अभी भी चॉइस ही ट्राइंगल इसमें बन रहे हैं आप कहेंगे नहीं कुछ और भी तो है देखिए ना इन दोनों को मिक्स अब मर्ज कीजिए सत्रह और इन अंदर वाले छोटे दो ट्राइंगल को अगर काउंट करेंगे तो चॉइस के बाद ये बनेगा पच्चीस और इसी प्रकार नीचे एक बनेगा तो ये छब्बीस और दो यहाँ से भी बनेंगे ये और जस्ट इसके नीचे वाला ठीक है तो छब्बीस और दो हो गए आपके अट्ठाईस क्या ऑप्शन में 28 है तो जी बिल्कुल बट 28 से बड़ा यहाँ 32 भी है क्या चार ट्रायंगल और आप बना सकते हैं आप कहेंगे भैया चार ट्रायंगल बनाने के लिए आप कोई लाइंस बच नहीं रही है तो करेक्ट आंसर आप करके आएंगे 28 चलिए की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और चौकोर देखिए दोनों बातें पूछ ली त्रिकोण भी पूछ लिया चौकोर भी पूछ लिया मतलब ट्राइंगल भी बताना है और चतुर्भुज भी बताना चौकोर भी बताना चार भुजा वाली चार कोने वाली आकृति चलिए बात करते हैं यहां पर सबसे पहले त्रिकोण दिया है तो वन टू थ्री फोर अभी मैंने बताया आपको कि भैया जब भी ऐसी आकृति आ जाए तो यहां से कितने बनेंगे आठ बनेंगे तो आठ दो सोलह आठ या चोइस टोटल कितने हो गए भैया चोइस ठीक है अभी बताया था ना मैंने वन टू थ्री फोर देखिए वन और फोर से बनेगा वन और टू से बनेगा टू और थ्री से बनेगा थ्री और फोर से बनेगा ये हो होगा आठ आठ अगर यहाँ हो गए तो आठ यहां भी होंगे आठ यहां भी होंगे तो ये हो गए आपके चोइस अब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व नंबर क्यों डाले अभी पता चल जाएगा चॉइस तो आपके यहाँ पर त्रिकोण सामने दिख रहे हैं उसके बाद देखिए एक बनेगा आपका ये वाला ठीक है तीन दो पांच और आठ से एक बनेगा आठ सात नौ और बारह से दो ये और दो ऊपर की साइड बन जाएंगे ये वाले वन टू फाइव सिक्स और एक बनेगा सिक्स सेवन नाइन टेन ठीक है चार निकल गए चोईस और चार को अगर एट करेंगे तो टोटल आंसर आ जाएगा ट्वेंटी एट जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में है अब बहुत से लोग क्या करते हैं डायरेक्ट आठ 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 काउंट करते चॉइस तो ऑप्शन नंबर बी और डी में आपको चॉइस भी मिलेंगे तो करेक्ट आंसर आप यहीं से कुछ करके आ जाते बट आपको आगे भी चलना है ठीक है करेक्ट आंसर आपका अभी अट्ठाइस हुआ है बट अभी भी दो ऑप्शन है अट्ठाईस त्रिकोण पाँच चौकोर अट्ठाईस त्रिकोण चार चौकोर अब अगर हम बात करें चार और तीन की सॉरी चार और अगर पांच की बात करें तो देखिए एक चौकोर तो आपका ये वाला हो गया एक जस्ट इसके पास दो एक इसके पास तीन ठीक है तीन के बाद अब यहां पर एक चार है एक पांच है तो देखिए दो दो को ले लीजिए ना मर्ज कर लीजिए एक ये वाला और एक ये वाला कितने हो गए दो और बढ़ के पांच हो गए करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट वाला होगा हालांकि मुझे तो लगता था कि यहां पर छे होना चाहिए क्योंकि एक सबसे बड़ा वाला भी तो बचा था ठीक है वो भी हो सकता था पर यहां पर कोई ऑप्शन है नहीं इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए चित्र में कितने वर्ग है चलिए तो बहुत सिंपल है वन टू थ्री फोर और बड़ा वाला फाइव ठीक है अब यहां अगर पांच बने तो भैया यहां भी तो पांच बनेंगे जाहिर सी बात है पांच पांच दस और एक ग्यारह ऑप्शन नंबर बी करके भाग जाओ ठीक है यही करेक्ट आंसर होगा क्योंकि देखिए ना ये इसी को इसने क्या किया थोड़ा सा छोटा करके यहां रख दिया तो यहां भी देखिए वन टू थ्री फोर और एक बड़ा वाला पांच तो पांच यहां बने पांच यहां बने दस और एक ये जो अलग है ये हो गए ग्यारह करेक्ट आंसर आपका ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज कितने त्रिभुज है तो काउंट करने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है ठीक है और इतना प्यारा क्वेश्चन है कि आपको करना इसको बहुत अच्छे तरीके से ही है और अच्छे तरीके से अगर आप करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ठीक है ट्वेल्व तो आपको सामने दिख गया है वन और टू को अगर मर्ज करेंगे तो ये बन जाएगा आपका थर्टीन चार और पांच को अगर इकट्ठा कर देंगे तो ये बन जाएगा चौदह सात और आठ को अगर मर्ज करते हैं तो ये फिफ्टीन टेन और इलेवन को अगर करते हैं तो ये बन जाएगा सिक्सटीन मतलब यहां सामने आपको सोलह त्रिभुज तो काउंट हो चुके हैं ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ इन त्रिभुज को ना हल्का सा या फिर एक काम करता हूँ पेन चेंज कर लेता हूं ताकि स्पष्ट हो जाए अब देखिएगा एक एक लाइन से देखिएगा देखिए ये वाला जो एक त्रिभुज है ये हो गया सत्रह फिर ये ऊपर वाला एक और बन गया अठारह ठीक है अब क्या करेंगे अठारह के बाद ना हम नीचे की तरफ चलते हैं देखिए ये वाला बन जाएगा आपका उन्नीस और ये वाला बन जाएगा आपका बीस अब यहां से समझ में क्या आया एक एक को काउंट नहीं करना है समझ में क्या आया कि भैया यहां से चार ट्राइंगल आपको मिले चार ट्राइंगल अगर इस प्रकार से मिले तो चार ट्राइंगल इस प्रकार से भी मिलेंगे अब देखिए उनको मैं काउंट भी करवा देता हूँ क्योंकि लगे हाथ कर ही देते हैं देखिए एक तो ये हो गया अब जस्ट ये वाला हो जाएगा आपका दूसरा वाला नीचे की तरफ भी आप देखेंगे बड़ा वाला ये वाला तीन और ये वाला छोटा वाला चार ठीक है मैंने कहा था चार चार आठ टोटल हो गए सोलह में चार जोड़े तो आपके बीस और बीस में चार जोड़े तो करेक्ट आंसर चोइस क्या यहां पर सिर्फ चोइस ही ट्राइंगल है आप कहेंगे नहीं अभी भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं आ रहा क्योंकि आप सबसे अगर छोटी संख्या की बात करें तो वह अट्ठाईस और सबसे हाइएस्ट संख्या जो है आपकी चालीस आ रही है तो अभी भैया आपको अट्ठाईस और चालीस के बीच में ही कहीं मिलेगा अभी तो चोईस हुए हैं चोईस से अगर आगे की मैं बात करूं तो देखिए एक यहाँ पर ये यह वाला ट्रैंगल भी तो है जो कि आपने छोड़ दिया था ठीक है क्यों छोड़ा था क्योंकि अभी तक आप जो है यहाँ पर सबसे बड़े काउंट कर लिए और सबसे छोटे काउंट कर लिए अभी यहाँ एक और दो पे तो गए नहीं है तो ये वाला बन जाएगा आपका क्या हो जाएगा ये वाला चोईस हो चुके हैं ये हो जाएगा पच्चीस इसी प्रकार यहाँ देखिए एक यहाँ बनेगा आपका इस साइड भी ठीक है ये वाला एक साइड एक ऊपर की साइड और एक इस साइड चार यहाँ से भी बने मतलब हो गए आपके कितने अट्ठाईस हो चुके हैं ठीक है अब अट्ठाईस से अगर हम आगे की बात करें क्या अट्ठाईस से आगे भी कोई बन रहा है तो देखते हैं अट्ठाईस से आगे क्या बन रहा है अट्ठाईस से अगर हम आगे अब देखें तो यहां पर आपको दिखेगा देखिए दिखे, हल्का सा देखना है यहां पर एक ट्राइंगल जो है ना वो यहाँ छोटा वाला भी तो बन रहा है ये वाला ठीक है एक जैसे इसके पास भी बन रहा है एक इसके पास यहां भी है एक इसके पास यहाँ मतलब हर एक किनारे हर एक किनारे से दो दो बन रहे हैं तो दो चार छ और आठ आठ और काउंट कर लो भैया आठ और आठ सोलह मतलब हो गए थर्टी सिक्स गया समझ में देखिए ना दो दो ये बन रहे हैं ना देखिए यहां पर ये भी बना ये भी बना अब मैं क्या कर रहा हूँ सिर्फ दो दो लाइन को काउंट किया आप क्या कर सकते हैं सबसे पहले ना छोटे छोटे को काउंट किया एक एक ट्रैंगल को उसके बाद ना आप डायरेक्ट यहाँ दो दो ले लेते हैं फिर आप तीन तीन पे जाते हैं बट मैंने आपको लगे हाथ वही बता दिया करेक्ट आंसर आपका होगा थर्टी सिक्स जो कि आपका ऑप्शन नंबर सिक्स है ठीक है क्या चार ट्राइंगल और आप निकाल सकते हैं तो आप यहाँ देखेंगे आपने बड़े वाले भी निकाल दिए छोटे वाले भी सिंगल वाले भी निकाल दिए अब कोई नहीं बच रहा भैया पूरा निचोड़ दिया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कितने त्रिभुज यहाँ पर है यह तो पहले क्वेश्चन जैसा बन गया वन लिखे टू लिखे थ्री लिखे फोर लिखे इन सबको जोड़ लें या फिर चार से अगली आने वाली संख्या चार पांच बीस में मतलब चार से अगली आने वाली संख्या में गुणा करके आधा कर दे चार पांच बीस और इसका आधा अगर करेंगे तो दस इस वाले बेस से आपके करेक्ट आंसर दस अब आप देखेंगे भैया यहाँ भी तो एक बेस है और यहाँ भी एक बेस है तो यहाँ से भी कितने निकलेंगे दस और यहाँ से भी कितने निकलेंगे दस तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसा ना करके आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि भैया एक निकाल लो और जितने का यहाँ जितने बेस है उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो देखिए एक दो तीन बेस है दस में तीन का मल्टीप्लाई करेंगे तीस करेक्ट आंसर होगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं दस यहाँ से निकले दस यहाँ से होंगे दस यहाँ से होंगे तीनों को जोड़ लीजिए ठीक है तो करेक्ट आंसर आपका यहां भी तीस होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग है अब बात हो गई भैया वर्ग की देखिए वन टू थ्री फोर और इससे बनने वाला ये हो गया भैया फाइव अब देखिएगा यहां पर ना आपका कोई ट्राइंगल सॉरी कोई वर्ग स्क्वायर बन नहीं रहा है क्योंकि इसके बीच में जो है सिर्फ ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको कोई वर्ग नहीं दिख रहा है पांच के बाद ये हो जाएगा आपका छ फिर देखिए सात आठ नौ दस और फिर बन रहा है ये बड़ा वाला आपका ग्यारह और फिर ये जो ऊपर इसके स्क्वायर दिया हुआ है ये सिर्फ अकेला है मतलब ये हो जाएगा सिर्फ बारह फिर तेरह चौदह पंद्रह सोलह और सबसे बड़ा वाला जो है वो बन जाएगा आपका सेवनटीन सत्रह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट दिए गए चित्र में कितने वर्ग है फिर से वही वर्ग काउंट करने तो वन टू थ्री फोर और इससे बनने वाला जो बन जाएगा आपका फाइव मतलब पांच यहां से बने तो पांच यहां से भी बनेंगे पांच यहां से भी बनेंगे पांच या पंद्रह करेक्ट आंसर होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट नीचे दिए गए आकृति में कितने व्रत है इस बार देखिए व्रत काउंट करने तो कर लीजिए डायरेक्ट काउंट कीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी थर्टीन ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है देखिए ये बहुत इजी होता है इसमें करना क्या है ये जो एरो दे रखा है ना आपको पता होना चाहिए कि हर एक एरो में तीन त्रिभुज बनते हैं कैसे बनते हैं देखिए एक ये छोटा वाला एक ये बड़ा वाला और एक सबसे बड़ा वाला ठीक है आज आइड साइड के जो तो दोनों छोटे छोटे वो वन और टू लिखा हुआ मैंने और सबसे बड़ा वाला तीन मतलब एक एरो से तीन बना इस एरो से भी तीन इस एरो से भी तीन और इस एरो से भी तीन आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फोर का मल्टीप्लाई तीन में किया भैया बारह आ गया ठीक है यहाँ बारह तो आपने सिर्फ छोटे छोटे एरो से निकाल दिए अब यहाँ भी देखिए ये भी तो एरो का ही काम कर रहा है तो भैया ये वन टू और बड़ा वाला थ्री सामने भी तीन बनाएगा ठीक है वन टू और बड़ा वाला जो है थ्री तीन और तीन छह में छह जोड़ देंगे करेक्ट आंसर आपका अट्ठारह और अट्ठारह ही सबसे हाइएस्ट नंबर है ठीक है चलिए आकृति में कितने वर्ग हैं वर्ग पूछ लिए इस बार तो देखिए ये तो और सिंपल है वन टू थ्री फोर और इस फोर ये बड़ा वाला जो है फाइव मतलब एक बात समझ में आ गई एक वर्ग जो है वो यहां पर पांच बना रहा है तो ये वाला भी पांच बनाएगा ये वाला भी पांच बनाएगा करेक्ट आंसर आपका पंद्रह ठीक है चलिए निम्नलिखित में कितने व्रतों की संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले ये वाले काउंट कर लीजिए वन टू तो, थ्री फोर और फाइव ठीक है ये आइट साइड में जो रखे हुए ये हो गए भैया आपके पांच अब देखिए छे अब देखिए पांच के बाद अगर मैं बात करूँ तो, तो एक दो तीन तीन अगर यहां है तो तीन यहां भी है तीन यहां भी है तीन यहां भी है मतलब तीन चौक बारह तो बारह में अगर पांच को जोड़ेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सत्रह तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ सत्रह एक बार और काउंट कर देता हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टी सेवनटीन करेक्ट आंसर आपका सत्रह हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दी गई आकृति में कितने वर्ग है अब चलिए इसमें अगर वर्ग काउंट करना है तो एक बात ध्यान रखिएगा वन टू थ्री फोर और इस चारों से मिलकर बनने वाला बन गया आपका पांच मतलब यहां से पांच बना इस वाले से भी कितने बनेंगे पांच ठीक है अब पांच क्यों बनेंगे यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां से पांच क्यों बनेंगे भैया इस वाले को तो आपने ऑलरेडी काउंट कर लिया और ऑलरेडी अगर ये काउंट हो चुका है तो अब सिर्फ यहां से एक कम हो जाएगा ना तो यहां से बन जाएंगे अब सिर्फ चार यहां से भी बन जाएंगे अब सिर्फ चार और यहां से भी बन जाएंगे अब सिर्फ चार चार चौक सोलह और एक सत्रह करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि सत्रह दिया हुआ है ठीक है ना कि यहां पर वो ज्यादा होंगे अब देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं काउंट कर लो ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व और थर्टीन थर्टीन तो आपको सामने मिल गए ये फोर्टीन फिर ये बन जाएगा फिफ्टीन सिक्सटीन और ये सेवेंटीन ठीक है चारों से मिलकर बनने वाला सेवेंटीन ठीक है ध्यान रखिएगा चलिए तो यहाँ मैंने बीस से पच्चीस क्वेश्चन आपको करवाए हैं आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें तो सीखते रहिए देखते रहिए परफेक्शन अकेडमी तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बाय बाय